गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जैसा कि आपको पता है, हमारा पैराबोला टॉपिक चल रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज हम बात करेंगे परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के स्पर्श बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण। देखें, ये आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है ना। इसकी यदि अपन बात करें तो ये इसका वर्टेक्स है जो कि जीरो जीरो होगा, ये फोकस है जो ए जीरो होगा, और ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर माइनस ए या एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये कोई स्पर्श बिंदु है यहाँ एक्स वन कोमा वाई वन, क्योंकि एक्स वन कोमा वाई वन स्पर्श बिंदु है, अतः एक्स वन कोमा वाई वन पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए, स्पर्श रेखा भी तो रेखा ही है। स्पर्श रेखा क्या है? रेखा ही है। तो क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जब आपके पास एक ही बिंदु है, ये तो एक बिंदु है, तो बिंदु प्रवणता रूप ही यूज करोगे आप, बिंदु प्रवणता रूप से। जब आपके पास एक बिंदु है तो बिंदु प्रवणता रूप के अलावा और कोई आपके पास उपाय नहीं है। अब आपके साथ समस्या क्या आएगी? ये प्रवणता की। तो एम क्या है यहाँ? प्रवणता, जहाँ एम बराबर प्रवणता किसकी? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो जो प्रवणता होती है स्पर्श रेखा की, उसको हम अवकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई फलन है, उसका डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो। डीवाई डी एक्स का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन, और उसमें यहाँ पर x1 कोमा y1 अर्थात स्पर्श बिंदु रख दो। ये स्पर्श बिंदु है, तो किसी भी वक्र का x के सापेक्ष पहले अवकलन करो। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो जो आंसर आएगा वो तो x और y के पदों में आएगा। तो x और y के पदों में तो प्रवणता नहीं होगी। प्रवणता तो हमें पता है कि दो होती है, चार छः इस तरीके से होती है।
तो जब उसमें x1 y1 बिंदु रखोगे तब वो प्रवणता में परिवर्तित होगा, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता किसी वक्र को x के सापेक्ष अवकलन कर उसमें स्पर्श बिंदु रखकर ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि y स्क्वायर बराबर 4x है, हाँ? अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या आएगा? d ओवर dx y स्क्वायर इक्वल टू d ओवर dx 4x है, तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो समान चर के लिए होता है, अर्थात इन दोनों का सेम होना जरूरी होता है। अब ये यहाँ वाई है, ये यहाँ एक्स है, तो इसका तो अवकलन हो नहीं पाएगा, तो अपन ने क्या किया, इसको तो ऐसे ही रहने दिया, यहाँ डी वाई वाई डी वाई कर लिया, इसमें फोर ए आ गई, डी एक्स एक्स आ गया। अब इस डी वाई को इधर ले आए, वाई स्क्वायर, और ये आया डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू फोर ए इंटू वन, तो क्या आया? यहाँ हम देखें तो इसमें फॉर्मूला लगाए तो ये टू वाई आ जाएगा, टू वाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू फोर ए, तो वाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू टू ए, यानी डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 2ay, ये dy by dx आया। अब इसमें स्पर्श बिंदु रख दें, स्पर्श बिंदु x1 y1 पर dy by dx का मान स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है। तो अब देखें तो डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स वन कोमा वाई वन क्या आएगा, 2a अपॉन y1, तो यानी ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आई है। ये आपका m हुआ,
अतः स्पर्श रेखा का समीकरण तो y माइनस वाई वन बराबर एम की जगह रख दिया ये, और x माइनस एक्स वन, ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स माइनस टू एक्स वन। अच्छा अब यहाँ देखें, ये कोई पैराबोला है, इस पे ये एक्स वन और वाई वन बिंदु स्पर्श बिंदु हैं, तो ये इस पे तो संतुष्ट, इसको तो संतुष्ट करेंगे ही, चूंकि ये एक्स वन वाई वन परवलय पे हैं इसलिए परवलय को संतुष्ट करेंगे, अर्थात इस पे लाई करेंगे। तो वैल्यू रख दें तो वाई वाई वन माइनस फोर ए एक्स वन बराबर टू ए एक्स माइनस टू एक्स वन, तो वाई वाई वन बराबर टू ए एक्स प्लस फोर ए एक्स वन माइनस टू ए एक्स वन। वाई वाई वन बराबर टू एक्स प्लस टू एक्स वन, तो वाई वाई वन बराबर टू ए एक्स प्लस एक्स वन। तो ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण आई है, ये है स्पर्श बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन पर स्पर्श रेखा की समीकरण है। इसको जरा आप ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन थी ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या आया है, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई वाई वन, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स एक्स वन। मान लो फोर एक्स आए के स्थान पर, इसका आधा करो एक्स प्लस एक्स वन। इसी तरीके से फोर ए वाई के स्थान पर वाई प्लस वाई वन रख कर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखें। अब आगे चलें, इसी प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स का स्पर्श बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, इसका आधा कर दो एक्स प्लस एक्स वन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई का स्पर्श बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, इसका आधा कर दो टू ए वाई प्लस वाई वन। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का स्पर्श बिंदु
एक्स वन कोमा वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा एक्स एक्स वन इक्वल टू माइनस टू ए वाई प्लस वाई वन। तो सब में हमने एक ही रूल लगाया है। आगे चलें, क्वेश्चन देखें। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स का बिंदु टू टू पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि ये स्पर्श बिंदु है कि नहीं। ये इसमें रख दें तो दो का स्क्वायर चार और ये भी चार, क्योंकि दो कोमा दो स्पर्श बिंदु है, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, उसका आधा कर दो एक्स प्लस एक्स वन। तो क्या आया, टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू या एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू। क्या और देखें, क्वेश्चन नंबर टू देखें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई की बिंदु चार चार पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, देखें चूंकि चार कोमा चार परवलय का स्पर्श बिंदु है, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, इसका आधा करो वाई प्लस वाई वन। हाँ, इससे दो बार कट गया तो टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस फोर, अर्थात टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर बराबर जीरो। यही आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। अब आगे चलें, हम जानते हैं कि डी वाई वाई डी एक्स था टू ए वाई वाई, और डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू में यदि हम स्पर्श बिंदु रख दें तो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता यहां से यदि अपन देखें तो 2a अपॉन y1 बराबर m,
वाई वन आ गया टू ए वाई एम, चूंकि एक्स वन कोमा वाई वन पर वाले वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पर स्थित है, अतः वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वन। वाई वन का मान यहां से लाएं, वाई वन का मान समीकरण एक से दो में रखने पर तो क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वन, फोर कट गया एक ए कट गया तो एक्स वन आ गया ए अपॉन एम स्क्वायर। तो ये स्पर्श बिंदु जो आपने देखे, एक तो ये वाई वन आ गया और ये एक्स वन आ गया, तो ये स्पर्श बिंदु एम के पदों में आए, तो एम के पदों में स्पर्श बिंदु क्या है, ए अपॉन एम स्क्वायर और दूसरा क्या है टू ए वाई एम, ये आया। तो जो एक्स वन वाई वन के मान जो थे वो अभी हमने एम के पदों में निकाल दिए हैं, ये मान तो हमारा एक्स वन है और ये मान वाई वन है, ठीक है, इसको अपने को याद रखना है। अपन बात करें अब एम के पदों में परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पर स्पर्श रेखा का समीकरण एम के पदों में, तो क्या आएगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन है, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था क्या आया था, हमारे कोऑर्डिनेट थे ए अपॉन एम स्क्वायर और टू ए वाई एम, तो टू ए वाई एम इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, तो वाई माइनस टू ए वाई एम इक्वल टू एम एक्स माइनस ए वाई एम है, और चले आगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू ए वाई एम माइनस ए वाई एम, तो y इक्वल टू आया एम एक्स प्लस ए वाई एम, तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण m के पदों में आया, यह है m के पदों में स्पर्श रेखा का समीकरण है, ठीक है। अभी जो समीकरण है इसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करें, समीकरण एक की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से
करने पर तो सी की देखो वाई है ही एम एक्स है ही तो सी की वैल्यू क्या आ गई ए अपॉन एम। ये है स्पर्शता की शर्त है। किस किस के परवलय वा रेखा की स्पर्शता की शर्त है, ठीक है ना। तो यदि C का मान A अपॉन M के इक्वल आता है तो ही रेखा परवलय को स्पर्श करेगी। इसमें क्वेश्चन ले लें, A के किस मान के लिए रेखा x प्लस वाई बराबर के परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x को स्पर्श करेगी तथा स्पर्श रेखा की समीकरण भी ज्ञात करें। ये अपना क्वेश्चन है। तो एक तो हमें पैराबोला दिया है और एक स्पर्श रेखा दी है, तो पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो तुलना कर दें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी 4a इक्वल टू 8 यानी a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराबोला है और इसको ये रेखा स्पर्श कर रही कहीं, तो अपन अब देखें x प्लस वाई इक्वल टू के है तो y इक्वल टू आया माइनस x प्लस के, इसका कंपैरिजन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करें तो m है माइनस वन और c है k और a है 2। हाँ स्पर्श करने के लिए कोई भी रेखा परवलय को कब स्पर्श करेगी, जब C बराबर A अपॉन M और C की वैल्यू है K और A है 2 अपॉन A, तो K की वैल्यू आ जाए माइनस 2 अर्थात x प्लस वाई बराबर माइनस 2 या x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 स्पर्श रेखा की समीकरण होगी, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।